नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल में। राजेंद्र प्रसाद बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत बरनाला और उप तहसील में हैं, जहां से हम सीधा आपको लाइव दिखा रहे हैं कि हालात हम आपको दिखाएंगे कि 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, उसके बाद भी आज भी विकास की जो गंगा है वो कहां बह रही है, किस जगह बह रही है, और उन बीपीएल परिवारों का आज भी भला नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दिखाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि इस गरीब परिवार के लिए आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की आवश्यकता है इन गरीब परिवारों को। आप लोग अगर इन गरीब परिवारों का सहयोग करेगा तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी सुनेगा, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी सुनेंगे। अगर आप लोग इनका भला नहीं करोगे, इनका सहयोग नहीं करोगे, तो इन गरीब परिवारों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। सामने की अगर आप घटक की हम बात करें तो बादल आंशिक रूप से छाए हुए हैं और कुछ ही समय बाद में बरसात होने का अनुमान हम लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि बरसात होगी। और जहां पर आज हम खड़े हैं, इतना आसान नहीं है यहां पर आना, किस प्रकार से हम आए हमारी हम जानते हैं। अगर कोई ये मानता हो कि सब यहां पर, तो यहां पर आके देख सकता है कि किस प्रकार वो आएगा और आएगा नहीं आएगा। रास्ते को देखकर वो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि वापस चला जाएगा और वो सोचेगा कि आज भी हम 21 सदी में कहाँ पर हैं, कहाँ पर वो विकास चल रहा है, कहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। ये पूरा परिवार है जो आज कहीं न कहीं उम्मीद है इनको सरकार के योजनाओं का लाभ लेने के लिए। शुरुआत में यहाँ से करूँगा आपको, जहाँ पर ये अपना परिवार का पालन पोषण और भरण पोषण एक छोटे से ये खेत है, इस खेत से करते हैं। और इन्होंने मेरे को जानकारी के लिए बताया कि भाई बटवाड़ा में, बरनाला में हमारे घर था, लेकिन अब वो बटवारा होने के बाद में जगह कम रह गई है और उसके कारण ये अपने खेतों पर निवास करने के लिए आ चुके हैं। कई साल हो गए इनको खेतों पर रहते हुए और ये हालात ये आपके सामने। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, यहाँ से आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर धराधर करते जाइए। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद देगा कि आप इन गरीब लोगों की लाइव को शेयर करेंगे, इन पर कॉमेंट लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ वहाँ तक जाएगी जहाँ तक जानी चाहिए। हमारा काम हम कर रहे हैं, लेकिन आपका काम भी आप भी करो। ये परिवार यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा था, कैसे कैसे ये इस झोंपड़ी में रह रहा था। ये चद्दरों का घर है, ये इनकी माताजी हैं, ये इनके उनके पिताजी हैं, ऋषिकेश जी हैं, और दो बच्चों के साथ में, जो बड़े बड़े बच्चे उनके साथ में ये अपने परिवार का यहाँ पर लालन पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन अधिक बरसात के कारण ये टूट टूट टार के गिर गई और ये टीन सेट गिर चुके। हादसा हो सकता था लेकिन हादसा हुआ नहीं। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बरसात में नहीं आया, तो यहाँ तो कोई लाइट की व्यवस्था है ना, कोई पानी पीने की व्यवस्था खेतों पे है, और बैटरियों को टॉर्चों को जला जला कर ये रातों में जग कर बैठे थे, और जैसे ही आवाज़ आई टूटने की तो ये बाहर निकल के भागे। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा टिन शेड था जो गिर चुका था। ये आपका था, ये किसका था? ये आपका दुर्गा, ये आप दुर्गा लाल हो, तो ये तो आप यहाँ तो आप रहते हो, तो हम दोनों मियां बीवी, अच्छा दोनों आप मियां बीवी यहाँ पर रहते हो, तो ये रात को टूटा तो फिर आपको कैसे? आवाज थोड़ी आने के बाद हम अच्छा कटर भागे, नहीं तो लग सके ज्यादा अच्छा। ये मैं बैठे ही आप बैठे खाट में, आप खाट में आप बैठे हो, अच्छा भागते भागते काट गए। तो ये आपको घर है या तो, और ये दोनों जो है जो आपका दोनों बच्चों का, तो जानकारी में आइए कि आपका जो ऋषिकेश आपका जो बेटा है बड़ा वाला ने, तो उनका तो बीपीएल में नाम भी है, नाम भी है उसका। तो आपको कभी सरकारी योजनाओं को लाभ, सरकार ढंडोरे पीट रही के सामने इतना लाभ दे दिया, इतने करोड़ों का आदमी को वो दे दी? काई भी गोंदी आज तक हमको केवल गेहूं मिल जाते हैं, लाभ गोंदी। अच्छा अच्छा, बस ये गेहूं के अलावा और कोई फायदा नहीं हमको, गेहूं के अलावा और कहीं और कोई फायदा नहीं, न पानी का फायदा है न कोई और का फायदा, कोई लाइट का फायदा कोई भी नहीं। चार्ज कर लिया बैठ तो ना तो पढ़ ले, नहीं काई भी बेचारे बैठ रहे, लाइट कुछ कहीं से चार्ज कर लिया, दूसरा घर से चार्ज कर लिया। पोती कौन कौन सी क्लास में पढ़ा आपकी पोती? नौवीं में पढ़ती है, अच्छा बारहवीं में पढ़ती है, तो वो अब स्कूल जाती होगी तो काफी सारी दिक्कत है रास्ता में, तो आप इधर खरीदे में डोला तो निकलना पड़ता है, ठंडा ठंडा पैदावार, जाना तो जाना ही है, जाना तो पड़ेगा पढ़ाई के लिए। अब लेट भी हो तो जब भी अब वो तो खेतों में होकर निकल निकल के कैसे ही जाना पड़ता है। और अब मैं ये इनकी, ये दोनों खड़ी हैं, ये इनके दोनों बहू हैं, ये इनका बड़ा बेटा है ऋषिकेश, ये इनका पोता है, या छोटी है, कौन से बड़े बेटा आप? ग्यारहवीं में। तो ये जो घर की हालात है, आप पढ़े लिखे हो, ग्यारहवीं में आप पढ़ रहे हो,
तो ये रास्ता है आपको, वह रास्ता को हम दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि सारा कई सारे लोग हमसे जुड़िया, तो कई पोर्शन किसान जगह कते तकलीफ सामने करना पड़े, बहुत तकलीफ है यहाँ से रात में आर पा रही है आर। ये देखो ये। अभी आए स्कूल से, तो एक दूसरी बात रात में मच्छर वच्छर की भी तो दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत पढ़ाई के लिए, अब लाइट को नहीं तो फिर पढ़ाई किसान करोगे रात में? बैटरी चार्ज करने जाऊंगा। कहाँ पे जाते बैटरी चार्ज? ये इधर घर पे। अच्छा उधर घर है वहाँ पे बैटरी का, अगर आप अभी स्कूल से आए हो? अभी आए हो, तो अब बैटरी चार्ज लगाने जाओगे तो ये किस किचन में, किचन भी हम दिखाएंगे हम कैसे आए थे और किस प्रकार आए थे। तो इसके जी आपको वो बीपीएल कार्ड दिखाओ, जो आपको जो बीपीएल कार्ड आप बता रहे बीपीएल, ये बीपीएल कार्ड है। जितने भी हमारे दर्शक हैं सर, आप लाइक और शेयर बहुत कम कर रहे हो, क्योंकि गरीब परिवारों को अगर आप लोग सहयोग करोगे तो आपके एक लाइक और शेयर से काफ़ी गरीबों को फायदा भी हुआ है और इनको भी होने की पूरी संभावना है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये इनका जो बीपीएल का कार्ड है वो इनके हाथ में है, ये बीपीएल का कार्ड है साहब। आप अच्छी तरह से इनको बीपीएल कार्ड को आप पढ़ सकते हैं, इनमें नाम भी स्पष्ट है, इसमें गांव भी स्पष्ट है। लेकिन आज तक सर, अब इसके आप थोड़ा सा यह बताओ आप कि सरकार तो कह रही है कि साहब हम विकास का जो रास्ता हमने खोल रखा है चारों तरफ से, बंद कर मिले थे ना आपका तो नहीं, सरकार कह रही है कि साहब हमने तो गरीबन को काय आर्थिक सहायता, काफी आर्थिक सहायता दी, हमको तो काय कौन दियो गरीबन को, तो आज तक ही कौन दियो। तो आपने ग्राम पंचायत में या गलत पंचायत में खूब जाया काय किया फिर भी? बेकाय जो फॉर्म भर लेते फेपाओ चंडावे को नेट पे उल्टो के दे, मतलब आज तक कोई फायदा कौन है? कोई फायदा कौन? पीएम आवास की योजना को लाभ कोई मतलब कौन? कोई यहाँ की कभी फोटो वोटो कौन खींच लेगा? फोटो खींच लेगी दो तीन बार लेगे सर, दो तीन बार फोटो खींच लेगे। तो फोटो खींच ले जाए बाद आपने बोली को नहीं साहब आप फोटो खींच ले गया हमारे लाला, आपको तो आवश्यकता है या फोटो खींच ले गया जी लारका मिल गई हमने को? अच्छा लारका मिल गई, लारका मिल गई दो तीन, यहाँ कोई आस पास पूरे दस जना मिल गया हमारे लारका, अरे हमारे हल्का शांति करी थी अब उन्होंने वैसे ही फोटो खींच के ले गए, या मतलब जाने कोई उन्होंने हमको चूतिया बना रखा था, अब हमको क्या पता भाई वो सही खींच रहे हैं कि गलत खींच रहे हैं, जो विषय दिखा रहे हैं। आप बताओ फिर आप कहीं के बचाओ, या स्थिति को देख कर कहीं सरकार को लाभ लेना देना कहीं मिले को नहीं आपको? तो हम तो यही के बचाओ सरकार धनी बन जा हमारे बाल बच्चों को, तो लाइट हो जा पानी हो जाओ। लाइट की फाइल तो लगाई आपने? नहीं लगा दी बन, वो तो फिर डिसमिस हो गई, कोई लगी को नहीं। चल फाइल लगा दी, कोई मतलब वाली बात करने के लिए कर्मचारी पैसा मांग लगा दस हजार खर्च दिया, तीन हजार को डिमांड नोटिस हो, तीन हजार जमा करवा सका हम तो, अब बीस हजार दस हजार तो खर्च लिया, दस हजार का मांगे जी का खम्मान का खर्चो। अच्छा खम्मान का खर्चो, डिमांड नोटिस अलग, खम्मान खर्चा लेना देना ये अलग, अच्छा ये अलग मीटर अलग मांग रही है, तो वो तो लगे ना साहब। अच्छा अगर खम्मा लेंगे दस खम्मा लेंगे तो उनको, आपके पास है कौन देवा को? स्थिति तो ये थे, ये है पूरा परिवार, ये है पूरा परिवार जिनकी जिंदगी आज भी। श्यामलाल जी आप, श्यामलाल जी, श्यामलाल मीणा जी साहब आपने इनको ज्यादा ज्यादा ले, जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं बहुत सारे दर्शक जुड़े, लाइक और शेयर, जितने आप लाइक और शेयर करोगे उन प्रशासन अधिकारियों की आंखें खुलेगी, जिन लोगों को आज लाभ मिलना चाहिए था वो लोग वंचित है, और जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए था उनको पहले मिल चुका है। तो आप देख पा रहे हैं जो तीन के नाम, इनके छत के नाम पे आप देख पा रहे हैं जो काली जो है तिरपाल, वो तिरपाल है, तो इस तिरपाल में रहकर अपने जीवन को ये यापन कर रहे हैं अपने बच्चों को। हालांकि सबसे बड़ी बात धन्यवाद की पात्र तो ये है कि ये कैसे भी स्थिति में रह रहे हैं तो भी अपने बच्चों को पालन पोषण के साथ वो पढ़ाई लिखाई जरूर करवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं का अगर लाभ मिलता है, ये आप देख पा रहे हैं ये बच्चे हैं अभी स्कूल से आए हैं, और स्कूल से आने के बाद बेटा ये बैटरी अब जारी लगाने की, तो इनके पहले घर पर है लाइट शायद, तो आपके घर पर है लाइट? क्या नाम आपका? विनोद। विनोद आपके मकान पर कब से है लाइट? अभी लगी पाँच एक साल हो गए। पाँच एक साल हो गए, तो ये डेली लगा रहा होगा वहाँ पर? चलो तो आप देख पा रहे हैं अब ये इनके साथ में अपने सहयोगी अपने दोस्त हैं उनके साथ में जा रहा है, और इस बैटरी को चार्ज लगा के आएंगे, उसके बाद में ये उनसे पढ़ाई भी करेंगे और अपने घर में रोशन भी करेंगे। हालात गंभीर है, विकास है दौड़ रहा, लेकिन कहाँ दौड़ रहा है ये मैं नहीं कह सकता। अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले हमने दुर्गालाल जी थे ना पिताजी, दुर्गालाल जी और उनकी घरवाली वहाँ रहते थे, अब ये है ऋषिकेश जी और उनके छोटा भाई जो यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी हालात आप ये कहीं भी दिखाने का या कोई ऐसे पोप लीला या कुछ ऐसे करने का समय नहीं है, आप सीधे देख पा रहे हैं
ये जो हालात है, ऊपर जो छत है उसके नाम पर केवल एक त्रिपाल है और नीचे आप देख पा रहे हो घरों के नाम पर, क्योंकि होगा क्या गरीब आदमी के परिवार में क्या होगा, किवाड़ कहाँ से लगाएंगे, किवाड़ लगाने का कोई मतलब नहीं है, इनके पास इतना कोई बड़ा सोना चांदी जेवर तो है नहीं कि भाई इनसे कोई चोर ले जाएगा, ये तो ये खुद बेचारे ठगे पड़े हुए। आप देख पा रहे हैं ये इनका जो घर है, ये रोटी बनाने का इनका जो जुगाड़ है, चूल्हा वगैरह है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि अगर जो बलिता है, जो लकड़ियां हैं भीग जाने के बाद कैसे रोटी वोटियाँ बनाते होंगे, ये खुद मैं खुद सोच रहा हूं। तो और ये इनका जो खाने पीने का जो बंदोबस्त, और सबसे बड़ी बात ये आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये है 21वीं सदी का भारत जहां विकास के नाम पर आप देख पा रहे हैं कि सब चारों तरफ विकास। और दूसरी बात ये आप देख पा रहे हैं, ये जो डंडा इन्होंने लगाया है, अगर ये डंडा अगर हट जाए या गिर जाए कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए इन्होंने ये डंडा लगाया है, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो इनके भाई का, अब मैं दूसरे भाई का घर भी आपको दिखा रहा हूँ। और ये आप देख पा रहे हैं इनके बरसात के समय में क्या हालात है, वो हालात आपके सामने हैं किस प्रकार की हालात है। तो ये है इनके दूसरे भाई का घर, आप देख पा रहे हैं ये है हालात। ये जो चादर है ऊपर से टूटा पड़ा, पूरा पानी इसमें नीचे आता है और उसके निशान भी आप देख पा रहे हैं कि ये है, उसके निशान ये है पूरा पानी यहाँ पर। ये इनकी एक बैटरी वो रखी हुई है जिससे ये रात को उजाला उजाला करते हैं। ये इनका शायद ये चूल्हा है, ये है साहब इनका चूल्हा जिनको इन्होंने ढक रखा है और शाम को ये रोटी वोटी खाना वाना बनाने के काम आता है। ये हालात है इनके भाई के घर का, जो हालात आप देख पर हैं। और ये आप देखो, क्योंकि इसको आप इस पानी को सुखाए तो कैसे सुखाएं, ये हालात है इनके पढ़ाई। ये इनका दूसरे भाई का घर, इनकी जो हालात है, इनको ये सिलेंडर तो आपको फ्री मिला बोलिए क्या, और ये जो सिलेंडर है ये इनको फ्री मिला था लेकिन पैसे के अभाव में ये भी खाली पड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये इनका जो दूसरे भाई का घर है ये, और अब ये घर की हालात आप देख पा रहे हैं क्या हालात है, ऊपर की छत की क्या हालात है। और यहाँ से सबसे बड़ी बात है, यहाँ अगर कोई ऐसा जानवर, ऐसा कोई कीटनाशक अगर आ जाए जैसे सांप वगैरह, तो मुझे लगता है कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अब आपको ये, यहाँ बच्चे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये देखो आप इनकी किताबें विताबें शायद ये फेरी पड़ी हुई है, बच्चे गए हुए हैं बैटरी वैटरी लगाने के लिए, ये इनके संदूक बंदूक है। ये हालात है इस घर के, तो आज भी इस प्रकार की ये जीवन है उसको यापन कर रहे हैं। लेकिन बड़े विडम्बना और बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन कहाँ है, कहाँ हैं वो इनके फरियाद सुनने वाले लोग जो आज कहते हैं कि हम गरीबों के लिए 24 घंटा खड़े हैं, लेकिन खड़े कहाँ पर हैं ये कह नहीं सकते। और आप देख पा रहे हैं ये आ रहे हैं, ये पानी की जो हालात किस प्रकार से आ रहे हैं आपके सामने स्पष्ट आपको दिखेंगे कि किस प्रकार की स्थिति है जहाँ से ये आ रहे होंगे। ये हालात है यहाँ पर, बहुत भयानक हालात है, मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बूंदाबांदी हो चुकी है, लेकिन हम आपको सारी चीज़ों से अवगत कराते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, अपनी लड़ाई को दिखाते रहेंगे, इन लोगों की परेशानियाँ दिखाते रहेंगे, इन लोगों की समस्या, जिन समस्याओं से आज ये जूझ रहे हैं। तो हालात आपके सामने हैं, पूरा परिवार कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सरकार की योजनाओं का हमें लाभ मिले, लेकिन मिलेगा कब ये एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह गया। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तमाम अपडेट। और ये आपकी माता जी तो इनको भी कोई भी धनी ये बना तो महाराज जाए, हम दो तो तीन तो हम गले बूढ़ा डोकरे डोके सारे इनको महाराज कहीं मिल जाओ तो। अच्छा तो आप अगर आई हो बाल कथी परेशानी से पहुँचा हुआ परेशानी में है कन्या ने तो जीव कर जी देख लीजिए महाराज इनको कहीं थोड़ी बहुत। अच्छा तो आपका सांस भर रही है, सांस भर से तो ये हालात इनके घर की, ये हालात से देख ली छोटा छोटा बाल बच्चा श्याप डिंडू महाराज जोड़िया क्या रचा। हमारा काम है, हम दिखा रहे जनता को भी दिखा रहे, सरकार को भी दिखा रहे, हम प्रशासन को भी दिखा रहे, आप सुने खान तक है इनकी सुनाई कते जल्दी हो जाए वो बात की बात है। तो आप देख पा रहे हैं जो भी यहाँ आता है
इनकी स्थिति को देखकर कहीं न कहीं भावुक भावुक हो जाता है। और ये कह रहे इन दोनों के साथ में तीन बुजुर्ग महिला और है जिनका बाहर भी इनके कंधों पर है। और हालात आप देख पा रहे हो, मौसम की जो स्थिति आप देख पा रहे हो, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम अपडेट तमाम खबरें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, जितने भी लोग हमको इस लाइव को सीधा आप देख रहे हैं, आप कमेंट आपके बराबर लिखते जाइए कि सरकार को इन लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पीएम आवास इन लोगों के लिए बना या नहीं बना है, और सुनेगा तो कब सुनेगा।